गाइस, वेलकम टू माय चैनल, एक्सक्यूज मी प्लीज। और मैं हूँ कृति। अभी जा रही हूँ ढोलावीरा और आज आपको लेकर जाऊंगी ढोलावीरा में ही स्थित फॉसिल पार्क में। कई सारे फॉसिल्स दिखाने वाली हूँ आपको, और फॉसिल्स के साथ ही वो जो वहाँ का व्यू था, वाइट रन, फ्लैमिंगो, वहाँ का कच लेक, सब कुछ अनोखा था। तो आप जब भी रन उत्सव में जाएं, ढोलावीरा को मिस ना करें, ढोलावीरा की साइट पर ज़रूर आएं। इससे पहले भी मैंने ढोलावीरा का जो हेरिटेज लोकेशन है, जहां एक्सकवेशन हुआ था हरप्पन सिटी वाला, उसका स्पेशल ब्लॉग डाल चुकी हूं। और आज आपको लेकर जाऊंगी उसी से कुछ दूर आगे फॉसिल पार्क। तो रन कितना होगा टोटल, इसमें अपना कितना है और उधर भी तो कुछ हिस्सा? पूरा ही पूरा हमारा है। अच्छा, पूरा हमारा 45 किलोमीटर का जो रन। अच्छा, पहाड़ी के बाद हमारा 5 किलोमीटर और। अच्छा, वहाँ से हमारा इलाका है। अच्छा। फिर वहाँ से हम लोगों ने स्क्रिप बॉर्डर बनाई, खुद तार बंदी भी लगाई है। यहाँ से होते हुए वाघा बॉर्डर तक पूरा 0 रोड है, उसके लास्ट में वहाँ वाघा बॉर्डर लास्ट में विजयकोट बॉर्डर है हमारा।
हजार साल पहले वो कोठा हुआ करता, जैसे पहले भारत पाकिस्तान का आने जाने का जो था, तब वो लोग दान चोरी का जो माल लेके आते थे, मतलब वही माल। ये जो पेड़ है 18 करोड़ ईयर साल पहले का पूरा, कौन सा ये वाला नहीं अंदर है, मैं जो आपको दिखाता हूँ वो पूरा पेड़ गिरा हुआ है, मतलब ये जो अभी लगे हुए है ना जो स्टैच्यू, ये जो डायनासोर के, मतलब वो ये बता रहे कि उस समय का ये पूरा पेड़ जो समकालीन था, वो पूरा पेड़ है सर 18 करोड़ ईयर्स साल, अभी वो फॉसिलाइज है पूरा, अभी हम देखेंगे तो हमको स्टोन ही लगे, लेकिन ये पूरा 18 करोड़ साल पहले का पूरा पेड़ है, तो मोटा है पेड़ तो मोटा ही मोटा था, वो देखेंगे क्या कोलकाता म्यूजियम में भी है, जो नीचे है उसमें रखता था लंबा सा ऐसे, जब खड़ा था तो गिरने के बाद ये पूरा इसका निचला भाग फट रहता है, स्टोन के साथ जॉइंट है पूरा, जैसे आप स्टोन देखोगे ना तो स्टोन के अंदर उसकी छोल लगी हुई है पूरी, जैसे लकड़ा रहता है लकड़ी के ऊपर का जो छोल है ना वो पूरा लगी हुई है स्टोन, तो ये जो एक शाइनिंगनेस है इसमें, ये नेचुरल है या कोई पेंट किया हुआ है इसमें? नहीं, इसमें वार्निश लगाया गया है। हाँ, वार्निश, हाँ, हाँ। क्या है कि सर बारिश की वजह से आई, अगर इसमें पानी जाएगा तो पूरा थोड़ा थोड़ा करके वो पूरा निकल जाएगा, हाँ, समझ गया। तो इसलिए उस लोगों ने वार्निश लगा लिया पूरा, समझ गया, कि थोड़ी शाइनिंग भी आए और खराब भी ना हो, खराब भी ना हो। ये पत्थर के बीच में जो टुकड़ा है वो भी वुड का है, जैसे ये हम देख रहे हैं ना, हाँ, चमक रहा है। ये जो है ना ये इसकी छोल का भाग है पूरा, कौन सा ये जो दिख रहा है ना, हाँ, पड़ी जैसा, हाँ, हाँ। जो लकड़ी का ऊपर का छोल होता है ना वो सब चिपक गया है नीचे, मतलब बिखर जाने के बाद, हाँ, समझ गया, वो पूरी लकड़ी भी बेहद बिखर हो गई है, मतलब ये स्टोन के अंदर पूरा लकड़ी है। जो लगी हुई है लहर जैसे, वो सब पानी की लहर है, पहले वो समुद्र आगे तक पानी, वो देख रहे हैं ना ब्लियर, वो जाली लगी हुई है, ये समुद्र था तो वहाँ तक पूरी पानी लगी, पानी इसका जो लहर का है ना वो वहाँ पर पूरा लगता था, मतलब ये लेक, ये जो रन है वो पूरा रन है, कच्छ का दो रन है, एक बड़ा एक छोटा, जो बड़ा है ये पूरा एरिया है, जैसे ये रन आप घूम के जाओगे तो ये राउंड में 35 किलोमीटर का पूरा एक आइलैंड है, यहाँ से जाओ तो 35, यहाँ से जाओ तो 35, मतलब राउंड में पूरा 35 में आइलैंड है, आइलैंड ये पूरा चारों ओर रन है बीच में, और यहाँ से 75 किलोमीटर पे वो पूरा टेंट सिटी लगता है दौड़ो, ये यही रन है सेम रन, ओके ओके, मतलब यही से चलते चलते जाएगा तो आदमी पहुंच जाएगा, मतलब चलते पहुंच नहीं पाएगा, पहुंच नहीं पाएगा, मतलब कनेक्टिंग है, और वो शॉर्टकट वाला रास्ता बन गया है जो धोरदो से, हाँ, वो चल रहा है पक्का है, क्योंकि हम लोग उधर से पूरा घूम के आए, हम लोग टेंट सिटी से ही आ रहे हैं, कितना हो गया 350 किलोमीटर, 300 किलोमीटर लग जाते हैं, और यहाँ से जाएंगे तो 75 किलोमीटर लगेगा पूरा ट्रिप, धोरदो टेंट सिटी में अच्छा है रोड, अभी 10 किलोमीटर का अच्छा पक्का रास्ता बन गया, हाँ, एक साइड का, हाँ, और आगे का जो 16 किलोमीटर का, हाँ, है वो थोड़ा कच्चा, मतलब लेवल किया गया है, हाँ,
लेवल क्या हुआ है मतलब? लेवल किया गया अभी छोटी छोटी कंकड़ निकला हुआ नहीं नहीं वो नहीं है वो नहीं उसके जो कंकड़ निकले थे अभी फोर व्हीलर है ना लेवल कर हां वो फोर व्हीलर है ना उसका जो कंप्लीटली चले छोटी छोटी गाड़ी चली जाती है वहां से साइड से फिलिंग कर करके ऐसा रोड बनाया जा रहा है कि बाय डिफॉल्ट पहले से ही रास्ता था उसको बस कंक्रीट होकर रह गया नहीं वो रास्ता 1990 में स्टार्ट हुआ अच्छा 1990 कच्चा रास्ता हां हां तब क्या था वो पहले मिट्टी डाल गए इधर ना बहुत फॉसिल है इसी कारण लिग्नाइट भी मिलता है ना इधर गुजरात में लिग्नाइट लिग्नाइट हाँ, लिग्नाइट कोयला हाँ, लिग्नाइट भी तो कोयला क्या है तो फॉसिल ही है हाँ, फॉसिल है जब जमीन से लावा निकलता है जो चीज यहाँ पड़ी है मतलब वो फॉसिलाइज हो जाती है बस बस मतलब 35 डिग्री में रहता है जो अंदर तो वो गैस बन के निकलता है